जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने वीडियो अपनी प्राइवेट कर दी है। मिलके बैठ के बातें करेंगे जब भी टाइम, जो टाइम आएगा, तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना मिल बैठ के जो बात होगी वो कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने इसलिए वीडियो प्राइवेट कर दिया क्योंकि पता नहीं कितने 3 सालों से ये चीज़ चली आ रही है। उसको बोल दो, उसको जवाब दे दो, ये कर दो, वो कर दो, जिस इंसान ने किया है वो एक साइड पे और बीच में हम दो लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मुझे इन चीज़ों में नहीं आना। तो पता नहीं गुस्से में थी, मुझसे हो गई कि मैंने गुस्से में वीडियो बना दी। तो इन बातों का अब कोई जवाब ही नहीं बनता। मैं भाई उस फैमिली से, इन सब से दूर हूँ, और ख़ुदा के लिए मेरी अब आखिरी रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम ना लें। मैं तो व्लॉग ही छोड़ दिए थे मैंने बिल्कुल, और मैं ना बस व्लॉगिंग ही छोड़ रही हूँ। मेरा ना दिल इससे अब इतना उकता गया है ना इन बातों से कि कोई भी कुछ बोल देता है और दूसरे का देखना नहीं है कि भाई वो उसकी फीलिंग हर्ट हो रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं, अल्लाह का खौफ होना चाहिए हम लोगों के अंदर। मेरे दिल में आया कि मैंने ऐसे 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 बोल तो दिया एक मिनट में, लेकिन अल्लाह तो कहता है कि किसी का अगर आप बुरा ना सोचो तो वही आपका जो है ना अल्लाह भी अच्छा सोचता है, और मैंने ऐसा करके गलत किया है। तो मुझे खुद ही गिल्ट फील होना शुरू हो गया कि चलो भाई उन्होंने जो बोलना था बोल दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं ना बात को, ज़ुबान जो है ना जब खुलती है तभी पता चलता है कि वो ज़ुबान सोने की है, हीरे की है, चांदी की है या पत्थर की है। तो इंसान अपनी ज़ुबान से बताता है कि मैं कैसा हूँ। इसलिए ना मुझे खुद ही इस बात पे वो हो रहा है कि नहीं यार छोड़ो इन बातों को, कब तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे, कब तक ये बातें होंगी। इसलिए जो बात बैठ के क्लियर करनी है वो तो ज़रूर करूँगी क्योंकि पीछे नहीं हटूँगी। और दूसरी बात ये है कि इन बातों से जो है ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आंटी बसरो जो है ना उनके जाने से पहले हमारे बहुत झगड़े थे, मतलब काफ़ी अरसा हमने बात नहीं की थी, अब्बू वालों ने बात नहीं की थी, बड़ों के झगड़े थे मतलब अब्बू के और चाचू के। तो मेरी अम्मी हमें मिलने देती थी, और मेरी बाजी वालों की सबकी शादियां हो गई, सब चले गए, फिर मेरी नानी फौत हुई थी तो तब मेरी जो है ना चाचू वाले आए थे ताज़ियत के लिए, उसके बाद मेरे मामू फौत हुए तब मेरे चाचू आए थे ताज़ियत के लिए, मेरे अब्बू वाले भी उनके मेरे चाचू वालों की तरफ ताज़ियत के लिए जाते थे। तो जब लास्ट चाचू यासीन फौत हुए थे तब मेरे अब्बू भी गए थे और चाचू भी आए थे ताज़ियत के लिए, तो तब जो है ना सुलह हो गई थी। और जब सुलह हुई, ऐसी सुलह हुई ना कि मेरी अम्मी और मेरी चाची जो है ना बिल्कुल ऐसे बहनों की तरह रहते थे। मतलब कहीं भी जाना मेरी अम्मी फ़ोन करती आ जाओ चलते हैं, तो चाची कहती हाँ ठीक है चल पड़ते हैं। और जब मेरी चाची फ़ोन करती कि मुझे कहीं जाना है तो आ जाओ ले चलें, तो हम लोग एक साथ, मतलब इतना आखिरी टाइम जो था ना चाची के जाने का वो हमने एक साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया है। बिल्कुल ऐसे चाची तो मुझे बहुत प्यार करती थी, और पता नहीं जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ, किसी के बारे में ऐसे बोलती हूँ, तो मुझे यही आ जाता है कि मेरा जो चाची से प्यार था ना वो ऊपर से देख के उनको हर्ट हो रहा होगा कि हम लोग इस तरह जो है ना एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है जो हो चुका है पास्ट में। मैं बार बार जो है ना पता नहीं क्यों इन बातों में आके, इस फजूल चीज़ों में आके हम लोग जो है ना ऐसे करते हैं, लेकिन ये सब ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और आज भी मेरी चाची की बातें और मेरी चाची का चेहरा मेरे सामने आया कि मैंने इस तरह गुस्से में ऐसे बातें की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, वो भी एक माँ है, अपनी औलाद के बारे में सोच रही होंगी। तो पता नहीं मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ना मेरी चाची मेरे बिल्कुल आके मुझसे बात करना चाह रही हूँ कि जो भी तकलीफ़ है तुम मुझसे शेयर करो। और मुझे याद है एक बार ना मेरी और असगर भाई के ऐसे घर में ही नोकझोंक हो रही थी। अब्बू ने मुझे कहा, अब्बू पाकिस्तान आए हुए थे तो असगर भाई मुझे ट्यूशन छोड़ने नहीं जा रहे थे, तो मेरी चाची ने ऐसे मुझे गले लगा के कहा, कहते क्यों परेशान होती हो, तुम ना परेशान हो, तुम्हारे चाचू जो है ना तुम्हें ले जाया करेंगे। खैर असगर भाई मान गए और मुझे छोड़ के आते थे ट्यूशन, लेकिन आज भी मुझे उनकी वो बातें याद आती हैं। वो कहते हैं ना छोटों को क्या देखना, बड़ों का मुंह देख लो। शायद हम छोटों में वो तमीज़, वो अदब आदाब, वो लिहाज वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे बड़ों में जो था थोड़ा बहुत, हमें वही सोच लेना चाहिए।
नहीं तो ये नस्लें हमारी इधर ही ख़राब हो जाएंगी, आने वाली हमारी नस्लों को क्या मैसेज मिलेगा, उनको हमारे बच्चों को क्या मैसेज मिलेगा अगर हम लोग ही ऐसा करेंगे। उनमें तो और भी सब्र ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं वो एक दूसरे को काटने मरने पर ना आ जाएं, ये सब कुछ देखकर सुनकर उनके जहनों में जब ये बैठ गया। तो बस इतनी सी थी बात कि मेरा जो गुस्सा है ना, ऐसे होता है मतलब आधा घंटा एक घंटा ऐसे जब मुझे कोई बहुत सताता है, बहुत तंग करता है ना, तो मैं रो लेती हूँ और अकेली बैठ जाती हूँ और अम्मी को याद करती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी मेरे साथ दोस्तों की तरह थी और मेरी अम्मी मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। मेरी अम्मी ना ऐसी थी जैसे फ्रेंड होते हैं ना वैसे थी। उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया था और कभी किसी बात के लिए डांटा नहीं था। तो वो वक्त मुझे याद आता है कि जब मेरी अम्मी चली गई तो मैं कैसे अकेली रही थी और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी। वहाँ पे हमारे रिश्ते हो जाते, वहाँ पे रिश्ते हो जाते, वहीं पे शादियाँ हो जाती। मुझे पाकिस्तान कभी नहीं आना था, ना हम लोग आते ना ये अपनों में शादियाँ करो। वहीं पे मेरे मामू वालों ने सब ने फ़ोन करके मेरी अम्मी को कहा अपनों में शादियां करो, नहीं तो हमारे लिए मर जाओगी। आज क्या हो रहा है, आज हम लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, वो एक सबक हासिल करें कि खुदारा अपनी बच्चों की शादियां अपनों में बिल्कुल भी ना करें। जो आपके रिश्ते हैं, जो आपका बहन के साथ रिश्ता है वो रिश्ता नहीं रहेगा, और जो भाइयों के साथ रिश्ता है वो रिश्ता नहीं रहेगा। और आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ना कज़न मैरिज या ऐसे मैरिज नहीं करनी चाहिए, बाहर करें। बाकी रह गई बात, सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि तुमसे सबने कट ऑफ क्यों कर दिया था। तो कट ऑफ करने की बात ये है कि मेरी शादी जो है ना आउट ऑफ कास्ट हुई है, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे ऐसे ब्लड रिलेशन नहीं है इसीलिए। और हमारे कास्ट में जो है ना ब्लड रिलेशन से बाहर करें तो वो क्या कहते हैं कि हमारी भी आपके तरफ नहीं आएंगी बहू बेटियां और आप भी हमारी तरफ ना आएं। जब उनकी बहू बेटियां मतलब मेरी मामी चाची फूफी वो नहीं आएंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। मतलब एक होता ना कि वो कहते हैं अजनबी हमारे घर आए और हम अजनबी के घर जाएं, वो उनको मंजूर नहीं है, बड़ों से ही ये चला आ रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और अभी मैं आपको अपनी शादी की तस्वीरें दिखाती हूँ इस बात को ख़त्म करने के लिए, जो कहते हैं कि ऐसे भाग के शादी की थी, ये किया था वो किया था। तो ये पड़ा है मेरी शादी का एल्बम। तो ये देखें, ये जो है ना मेरी शादी की तस्वीरें हैं, और इधर से भी देख लें, ये मेरे हस्बैंड, ये हमारी दूसरी शादी की तस्वीर, ये सलमान भाई हैं साथ में, और यहाँ पे देखें ये मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ हैं, ये काशिफ है और ये मैं हूँ। ये देखें कि यहाँ पे जो है ना ये हमारे साथ में है, मतलब हमारी फैमिली पिक है। तो ये बच्चों की मम्मा हो गई इस साइड पे और इस साइड पे मैं बैठी थी। ये हमारे रिसेप्शन की तस्वीर है हमारे वलीमे की, और यहाँ पे भी अगेन जो है ना बच्चों की मम्मा है साथ में। जो लोग भी कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो उनके वो बेड पे पड़ी थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो ये जो है ना मैंने इसलिए लगाई है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कभी मैं इस चीज़ का प्रूफ दूंगी। तो ये मेरा जो है ना शादी की तस्वीरें हैं, इससे आपको जो है ना पता चल गया होगा। बाकी जो लोग भी बोलते हैं बोलते रहें, इसके बाद मुझे कोई प्रूफ भी नहीं देना, क्योंकि इससे बढ़ के कोई प्रूफ नहीं है। तो ये थी तस्वीरें जो मैंने दिखा दी हैं। बाकी मेरी जो वीडियो है उसका मकसद यही है, सिंपल सा, कि खुदारा किसी को इतना मजबूर ना करें, किसी को इतना तंग ना करें कि वो बंदा जो है ना पागल हो जाए और इस तरह की गंदी बातें या इस तरह की बातें निकालने के लिए मजबूर हो जाए अपने मुंह से। मैं इस तरह की नहीं हूँ कि मुझे मतलब किसी को भी बुरा बनाना। मैं चाहती हूँ हाँ मुझे कोई चार बातें बोल दे, गुस्सा आता है हर किसी को आता है, वक्ती तौर पे सब गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में ना मुझे बहुत लगता है कि पता नहीं मैंने उसका दिल दुखाया है, अल्लाह जो है ना मुझसे नाराज़ होगा, या जो है ना हम लोग अपनी ज़िंदगी में ही ये सब चीज़ें छोड़ के जाएंगे, ये झगड़े ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, साथ में कोई नहीं लेके जाएगा। बाकी जो है ना हर किसी ने अपने खुदा को जवाब देना है। यहाँ पे हर कोई खुदा बन के बैठ जाता है और बातें कर लेता है, बड़ी आसान होती है उनके लिए बातें करना। तो मुझे अपने घर को देखना है और अपने घर को साथ लेके चलना है। मैं बहुत खुश थी जब हम लोग ट्रिप से होकर आए,
तो मेरा जो है ना बहुत दिल खुश था। अभी बीच में मैंने 2 दिन 3 दिन व्लॉग नहीं डाला। मेरे साथ बहुत जो है ना वापस आने के बाद घर में बहुत प्रॉब्लम्स चली हैं, तो मैंने वो भी शेयर नहीं की और मैंने व्लॉग भी डालना छोड़ दिया था। मेरे लिए व्लॉग ये नहीं है कि मरो तो डालो, जियो तो डालो। तो चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो मुझे जो है ना कोई इससे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। बस जो है ना मैं सोचती हूँ चलो भाई, इससे बंदा ये होता है बिज़ी रहता है, मसरूफ़ रहता है। और आप सब जो है सिस्टर्स हैं वो कमेंट्स करती रहती हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आप वीडियो डालें, तो उनके लिए मैं वीडियो डालती हूँ। तो बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो चलें जी, ये थी वीडियोज़, समझें इसको। वीडियो भी है मेरे पास शादी वाली, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगी, हमारी अपनी प्राइवेट है। बाकी जो है ना मेरी शादी की एल्बम ये रही, ये मेरी संदूक में पड़ी हुई थी, मैंने इसको जो है ना सोचा नहीं था कभी निकालूंगी दिखाऊंगी। चलें कोई नहीं, ये भी हमारे लिए जो है ना एक मेमोरेबल चीज़ है। अगर ये ना हो तो सच में जो है ना जो लोग कहते हैं कैसे हुआ था वैसे हुआ था, तो वो बातें उनकी सच हो जाती। तो काफ़ी अरसे तक मैंने सोचा कि चलो इस बात को छोड़ते हैं, क्या फ़ायदा है ऐसी बातों को क्लियर करना, ऐसी बातों को क्लियर करना। उम्मीद करती हूँ कि अब जो है ना सब क्लियर हो गया, आपके सामने ही है, तो मैंने ये आपको दिखा दी है। मैंने आखिरी मेरे पास हल यही बचा था, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है ना इस तरह की बातों में किसी की पढ़नी है। जो भी कर रहे हैं करते रहें, और जो मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए हैं जिन लोगों ने, वो भी कभी जो है ना कभी इस टाइम से ज़रूर गुजरेंगे, वो इंसान ज़रूर गुजरेगा इस टाइम से। तो मेरा तो इतना ही था। पता नहीं क्यों हम लोग करते हैं ना 4 कदम आगे चले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, हम मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रही, मुझे इस चीज़ की फीलिंग आती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, जो लोग इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, जो इतनी घटिया बातें करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, उनको नींद कैसे आती होगी, या वो जो है ना सुकून से सो कैसे लेते होंगे, या सुकून से जो है ना कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात की कि भई इतना झूठ बोल बोल के सबने, ये इस बात का झूठ बोल बोल के कि ये जो है ना इसने भाग के शादी की, भाग के शादी की। तो मेरे पास ना अल्फाज नहीं है कि आज मुझे मजबूर हो कि ये सब कुछ करना पड़ा है। तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी बोले, मेरे हस्बैंड ने हर हाल में मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत में हर तकलीफ़ में मेरे साथ रहे हैं। अगर उनको चाहिए होता ना तो इतनी बातें सुनने के बाद वो मुझे छोड़ सकते थे, या हमारा रिलेशन मतलब बहुत बिगड़ सकता था, क्योंकि वो मेरे गैर हैं, मेरे अपने नहीं हैं। जहाँ पे अपनों ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, इतना गलत किया है और इतना धुतकारा है, ये सब कुछ आपके सामने ही है। तो जब आपके अपनों से जब दिल भर जाता है ना, तो दिल नहीं करता कि किसी गैर पर ट्रस्ट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने जो है ना मेरी किसी अच्छाई का मुझे सिला दिया है कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और ससुराल वाले भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। और बस आज की जो है ना यही बात थी मेरी, जो मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। बाकी मुझे जो है ना बस क्या करूँ मैं, खुदा का खौफ आ जाता है। और मैं ये सोचती हूँ कहीं जितने लोग भी आकर देखेंगे, जितने लोग भी आकर सुनेंगे, वो गीबत में शामिल हो जाते हैं और वो हमारे अमाल में शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना हमें ये सोच रखने की तौफीक दे कि हम अपने अमाल जो है ना ऐसे ही बेच रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के लिए या चंद डॉलर्स के लिए। तो चलें जी, मेरा ये आज का व्लॉग जो है ना इधर ही ख़त्म हुआ। आज मुझे पता नहीं 3-2 व्लॉग डालने पड़े, तो शायद हो सकता है कि मेरा जो है ना मैं अपनी व्लॉगिंग ख़त्म कर दूं, मेरा ये लास्ट जो है ना व्लॉग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं बस आप अपना सबका ख्याल रखिएगा, आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे। जो लोग बातें करते हैं ना, मैं कहती हूँ वो भी जो है ना अल्लाह को जाके जवाब देंगे, और मैं भी अल्लाह को जाके जवाब दूंगी। बाकी मैं डरती किसी से नहीं हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है। मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कहती हूँ कि ना मुझे कोई डर नहीं है। मैंने सिर्फ इस वजह से किया है कि यार छोड़ो, जो उन्होंने किया किया, अब मैं भी मुकाबले में अगर हम लोग बराबर आ जाएं तो क्या फ़ायदा। फिर वो कहते हैं ना कीचड़ में अगर ईंट फेंको, पत्थर फेंको, तो वो छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। तो ऐसे कीचड़ में हाथ मार के अपने हाथ गंदे करने, मैले करने, अपने कपड़े मैले करने, तो ये कब तक चलेगा। कोई एक तो होगा जिसको चुप रहना पड़ेगा। तो मुझे जो है ना बस यही सोच आ गई और ये सब बातें मेरे जहन में आई, तो इसलिए मैंने ये सब ख़त्म कर दिया। बाकी मेरे ऊपर प्रेशर किसी का नहीं है, मैं किसी के प्रेशर में आके नहीं कर सकती ये सब कुछ। जब तक जो है ना मुझे लगता नहीं है ना कि मैं इस तरह का ये ना करूं, गुस्से में थी उस वक्त,
मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने सोचा छोड़ो यार, मिट्टी पाओ इन बातों पे। फिर भी क्या कहते हैं, एक माँ बाप, एक भाई बहन, एक खून होकर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वही बात हुई कि अपने ऊपर ही कीचड़ लगाने वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं।